श्री गुरु नानक देव जी अपने एक सफर विच एक ऐसे नगर गए जिथों दे लोग बड़े चतर सन। कार व्यार बड़ा चंगा सी, लोकी मायाधारी सन। हुण मायाधारी हंकारी ना होवे यह गल हो नहीं सकती। ते हुंदा इह सी कि जेड़ा कोई साध संत इस पिंड विच आवे उसका सत्कार नहीं सन करदे, रहन नूं थां नहीं सन देंदे, सगों तिरस्कार करते सन। गुरु जी भी उथे पहुंचे तो किसी ने सिर लुकाउण जोगा थां ना दिता, रोटी पानी तक किसी ने पुछना सी। आप जी बाहर जंगल विच ही एक दरखत दे थले बैठ गए। लोकी वेखण हैरान होण गुरु दा दर्शन करके। कुछ दे मन विच प्रेम भी उपजे के सेवा करिए, पर मन दी चतराई आखे चलो इथे खलो के समा ना गवाओ, की करना साधा कोल खड़ के जड़े रोटी भी नहीं कमा सकते। इसे नगर विच ना एक खत्री रहिंदा सी जिसनू लोग सोमा करके जानदे सन। आम लोग ते इथे बड़े चतर सन मायाधारी, पर सोमा सारे नगर विच घट अकलवाड़ा जाणिया जांदा सी। ते अगे पिछे लोग इसनू बुद्धू क्या करदे सन, क्योंकि इसनू ना छल कपट बिल्कुल नहीं सी आउंदा। भावें कोई इसकी आत्म बुद्धि उची ते नहीं सी, पर सहज सुभाव ही मन का सरल होने करके सच दे नेड़े नेड़े रहिंदा सी। इसते कोल धन कुछ प्यो दादे दा है सी, ते कुछ इसकी किस्मत भी चंगी सी, सो चार पैसे इसदे कोल है गए सन। यह भी माया विच गलतान सी। इसे करके जिथे गुरु नानक देव जी बैठे सन यह अचानक उथे आ निकलिया। जदों कोलों लंघिया तां सतगुरु जी नूं तकिया, मन विच खिच जई पई। सतगुरु दा प्यार मन विच आया, प्यार नाल सीस नवा के आखन लगा, तुसी साधु हो, रात आ रही है, ठंड है, मीह पैण दी संभावना है, तुसी जंगल विच खुली थां बैठे हो, ठंड लगदी होवेगी, चलो मेरे घर रहो, रात नूं आराम करो, कुछ छक लो। माया मेरे पास बड़ी है, पर पता नहीं लगदा बई इसनूं मैं सिर्फ सामणे ही है कि इन्हें कुछ सुख भी देना है। अच्छा चलो आओ आपां रात रल के रहिंदे आ, नाले कुछ गल्लां बातां करांगे। गुरु जी इस दे बचन सुन के मुस्कुराए। की जानिए कि इस नूं किते माया दे इस मोह दे चिकड़ विचों कढ़न आए होण। जिवें कावां दे विचों अपनी बोली पा के कोयल अपने बच्चे नूं कढ़ लजांदी है ना, शायद इसे तरह गुरु ने इस नूं कढ़ना होवे। आप खुश होके उस दे नाल तुर पै, रात उस दे घर रहे। अमृत वेले मरदाने ने कीर्तन कीता, सोमे ते बहुत आश्चर्य प्रभाव पिया, माया मामूली दिसे। दिने गुरु नाल वार्तालाप हुई। इस तरह कुछ दिन आप उथे टिके रहे। हुण गुरु दी संगत विच उस दे ख्याल बदलन लग पै। जीवन निरा पशुआं वांग खाण पीण जां कीड़ियां वांगू धाणे इकट्ठा करन जां पंछियां वांगू उडारियां मारदे रहन लई नहीं हैगा। इह गल समझ आ गई कि जीवन कोई कीमती शै है जिसका कोई उच्चा मकसद है। सो मैनूं समझ आ गई बई धन जोड़दियां प्यो दादा मर गए, हथ झाड़ के तुर गए, उन्हां दा धन मैं सांभ लिया, मैं खा रहा, हुण मेरे पास बथेरा है, ते मैं भी ते एक दिन इसे तरह छड़ के तुर जाना है। इस तरह दियां सोचां विच उस विच वैराग आ गया। गुरु ने उसनूं नामदान बख्शिया।
कीर्तन ते नाम विच लग के मत उज्जल हो गई। ओ जेड़ा जगत विच नगर विच बुद्धू समझा जांदा सी हुण ओ चतर हो गया। केड़ी चतराई पला बई होरना चतर लोकां वांगू वाहिगुरु नूं विसार के मौत नूं विसार के दिन रात माया इकट्ठी कर वल वक्त खर्च करन लई जां होर होर दे मगर भजन लई नहीं नहीं बल्कि उस नूं चतराई ए फुरी के मेरे पास माया बहुत है मैं सारी नूं सांह भी नहीं सकदा पर मेरे किन्ने सारे मेरे हमसाए विचारे भुखे पए मरदे ने क्यों ना इस माया नूं मैं लोकां दा दुख दूर करन विच वरतां। जे वैद कोल दवाई होवे ते ना देवे तां वैद दोषी हुंदा है ते जे मेरे नेड़े थेड़े रहण वाला कोई भुखा नंगा होवे ते मैं रोटी कपड़ा ना दियां ते फिर ते मैं दोषी होया ना। ए फुरना गुरु दे शब्द ने बख्शिया नाले गुरु दे बख्शे नाम नाल मन टिकन लग पिया नाम विच स्वाद आउण लग पिया। एक दिन गुरु जी नूं आखण लगा सचे पातशाह मेरे कोल माया हैगी है लोक दुखी ने ए धन लोड़वंदा नूं वंडना दिया मेरे रोटी कपड़े लई थोड़ा जिहा ही बहुत है और सुख कोई मैनू चाहीदा नहीं। जो तुसी मैनू नाम धन बख्श दिता है ना उन्दे करके आनंद हो गया है। नाम विच बहुत वड्डा जादू है पता नहीं तुसी की कीता है मोह विच फसे होए नूं कढ के मैनू माया दे मोह तों उत्ते चुक दिता जे। गुरु जी आखन लगे भाई सोमिया सोच लै कच्चे वैराग विच आके ना धन दे ते बहीदा पर मगरों पछताईदा उस नालों ना देना चंगा। जे सचमुच वाहिगुरु दा नाम अमोलक दिसिया है ते तैनू लगदा है बई लैण नालों देण विच वधेरे सोखे तां भाई अकल नाल सियाणप नाल वंड तू इस तरह कर अपने परिवार दा प्रबंध कर दे ताकि कल नूं परिवार भुखा ना मरे। हां बाकी सारयां दी लोड़ मुताबक दुख दूर करन लई खर्ची जा इस तरह तेरा दान करना भी प्रवान होवेगा। हां आप वड्डा बन के जां दानी समझ के जां दाता बन के दान ना कर बल्कि परमेश्वर दा जान के ना दान कर। गुरु जी ने उसनु सच्चे प्रेम विच वाहिगुरु दे नाम विच ला दिता ते सचमुच दुनिया दी नजर विच ए बुद्धू सोमा माया दा त्यागी हो गया अते महान दानी होया। लोक भावें उसनु कदे बुद्धू कहिंदे सन ते हुण सिद्धा ही उसनु बुद्धू कहण लग पए ए सोच कै के ए चंगा ज्यादा नूं आपदे घर लै गया सी हुण ते उसने अपना घर ही लुटा लिया सो भावें घर दे सारे ना खुश सन उस दे माया वंडण दी बिरती तों पर उस दी पक गई सुरती सगों ना डोली। वो सिर्फ घरों प्रशादा छके ते बाकी सारा समा सिमरन करन ते नेकी करन विच लाया करे। वाहिगुरु दा पाणा ऐसा वरत्या कि कुछ महीनिया बाद उस दे बच्चे ते इस्त्री एक एक करके सारे चढ़ाई कर गए काल वास हो गए। हुण इकले बंदे लई ना जगत बड़ा दुखदाई हुंदा है पर सगों उसने समझिया बई ना शायद वाहिगुरु ने साई ने कृपा करके मैनू सारा जगत अपना समझण दे लई मैनू ए मौका दिता है। जो पदार्थ उसने अपने परिवार लई रखिया सी सगों हुण
आप ओ सारा भी उसने खर्च दिता, सेवा विच ला दिता, ते आप सगों निमाणा जिहा हो के ना थोड़ी जिही माया कमाउण दे लई दिहाड़ी करन लग पिया। संत बिमला सिंह जी गुरु दा जस गाउंदियां अज गुरु दे एक पुगे हुए सिख भाई सोमे शाह दी वार्ता सुना रहे सन। सोमा शाह जिस दे मन विच वैराग पैदा हो गया, जेड़ा है ते सचमुच दा शाह सी, भाव लखां दा मालक सी, पर जिस वेले वैराग हिरदे विच पैदा होया तां जगत दा दुख वेख के गरीबां दी गरीबी दूर करन दे लई ते गरीबां नूं रोटी कपड़ा पहुंचाउण दे लई उसने अपना सारा तन खर्च दिता ते मन विच विचारिया कि मेरी लोड़ ते सिर्फ दिहाड़ी दे चार टके ही है। सो उसने ये चार टके भी अपने कोल रखण दी बजाय रोज कमाउण दे लई मजदूरी करनी प्रारंभ कर दिती। चार टके रोज दा अपना खर्च रख लिया ते मजदूरी दे चार टके ही लेने कीते। जिस किसे ने मजदूरी करवाउण लई आखणा, भाई सोमे शाह ने कहना, भाई मैं ते चार टके ही लेने ने ते मजदूरी करनी है, ये चार टके मेरी चार घड़ियां दी मजदूरी दा मुल है। हां इस तों वध तूं भावें चार पैर मेरे कोलो मजदूरी करवा लै पर मेरी मजदूरी चार टके ही रहेगी। शर्त जरूरी ए है कि जे तू चार टके मजदूरी मैनू लैके मेरे कोल कम करवाना चाहवे तां हर हाल तैनू एक घड़ी बह के जां तां वाहिगुरु दा जस मैनू सुनावेगा ते जे तैनू नहीं आउंदा तां मेरे कोलो सुनिया करेगा। ये अनोखी मजदूरी दुनिया विच ना चल पई। भला सिर्फ चार टके लैण वाला ईमानदार मजदूर दुनिया नूं कित्थों लभ सकदा सी। पर इस बहाने भाई सोमा शाह अपने सतसंग दे राह ते लोकां नूं पाउण लग पिया। आम लोकां ने उसनूं की हरी दा जस सुनाउणा सी, रोज उसे नूं ही सुनाउणा पवे ते उह समझे भई मेरे जीवन दा मकसद कामयाब हो जाएगा। मैनू ते मजदूरी करदिआं वी वाहिगुरु दा गुण गाउण दा समां लभ जांदा ते जिहड़े मैथों सुणदे ने उहनां दी माया दी नींद खुल जांदी ते अग्गा सौर जांदा। चार टके लिया के आटा खरीदे, रोटी पकावे ते उह वी वंड के छक लवे। एक दिन किसे राजे दे वगारी बाकी मजदूरां विच उस नूं भी मल्लो मल्ली फड़ के लै गए। जां टिकाणे ते पुजे, मजदूरी मिली तां उसने चार टके लए ते बाकी मोड़ दिते। वगार पाउण वाले अफसर ने कहा, क्यों भई गुस्से है, तैनू होर पैसे चाहिए ना? ता उसने कहा, मेरा नियम है मैं इस तों वध मजदूरी नहीं लैंदा, वध दी मैनू लोड़ नहीं, भावें मैं चार घड़ी मजदूरी करां जां चार पैर, पर मेरी शर्त ए आ बई मैथों कम करवाउण वाला बंदा एक घड़ी मैथों रब दा जस सुने जां सुनावे। सो अज ये गल पुगी नहीं, क्योंकि तुसी मजदूर तो मजदूरी दा काम नहीं लिया, सगों वगार पाई है। इस करके मैं तेनों इनकार ते नहीं सा कर सकदा काम करन तो, पर मैनू इस तों वध मजदूरी नहीं चाहीदी, परमेश्वर तेरा भला करे। अफसर सुन के हैरान रह गया, आखन लगा, ओए तू ते कोई खुदा दा फकीर है, मेरी खता माफ कर दे, मेरे नौकर ने भुल की थी कि तेरे वर्गे बंदे नूं फड़ लिया आ। सोमे ने आख्या, नहीं मैं मजदूरी ते करनी ही सी,
ਭਾਵੇਂ ਵਿਗਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਰੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਕੀਰੀ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਿਗਾਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸਮਝੀਏ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਬਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ। ਇਸ ਅਸਚਰਜ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਅਮੀਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਛਾ ਸਾਈਂ ਲੋਕਾ, ਨਾਲੇ ਦੋ ਦੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੋਪੜੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਮਿਹਰ ਕਰ ਤੇ ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੁੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਦੇ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਐਬ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਜੋ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਘਰ ਆਓ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ 14-15 ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਾੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੁੱਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸੋਮੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 4% ਦੇਣੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਈ ਆ ਪਿਆ ਹੀ ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਬਈ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਸੋਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਟਕੇ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਚੱਲਾਂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਸੁਣਦਾ ਚੱਲੇ। ਮੈਥੋਂ ਭੁੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਾਹਲਾ ਪੈਂਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ ਭੰਗ ਕੀਤਾ। ਅਫਸਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਘਰ ਅਪੜੇ। ਸੋਮਾ ਜੀ ਰਾਤ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੋਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੋਮੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੁਣ ਬਈ ਰੱਬ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ, 60 ਸਾਲ ਤੂੰ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 10 ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵੇਖੇ ਨਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਈ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਮੌਤ। ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ
भई तेरी जिंदगी ते तकरीबन लंघ गई। दुनिया दी कोई शै तैनू उथे रब्बी दरगाह ते मार पैन लग्या छुड़ा नहीं सकती। कोई ढंग कर जी दे नाल मरण तो बाद भी तेरा समा सौखा लंघे। इस अफसर ने फिर आख्या, भाई मैं ते नहीं जानता कि मैं मरण तो बाद मैं दुखां तो छुट सकांगा। ते भाई सोमा आखन लगा, वेखे ना अज जदों आपां आउंदे पए सां ना राह विच, तां मैं कुछ समा तैनूं रब दियां गल्लां प्यार नाल सुनाईयां सन। चेते रखी प्यार नाल रब दी गल करन नाल, रब दा नाम जपन नाल सारे माड़े कर्म ते पाप सड़ जांदे ने। जे तू इसे तरह रोज करे ना तां तेरे सारे पाप सड़ जाणगे, ते हफ्ते बाद जदों तेरी मौत होवेगी ना उस तो बाद तू बच जावेगा। ये गल सुन के अफसर रोन लग पिया ते आखन लगा, सारी जिंदगी बुरे काम करदा रहा, एक हफ्ते का नाम जपन नाल मेरा की बनेगा। सिख आखन लगा, वेखे ना बई तू वड्डा के बख्शनहार करतार। अफसर कहन लगा, नहीं करतार बख्शनहार ही वड्डा है। सिख कहन लगा, भई करतार वड्डा है कि तेरे कर्म, तू सठा सालां विच भी जे सारे दे सारे माड़े कर्म ही कीते होण तां ओह भी गिणती विच ने, भावें बहुत होणगे पर अणगिणत ते नहीं ना। पर तैनूं पता है कि करतार वाहिगुरु मेरा खुदा ओह ते अगिणत है, उसकी मेहर भी अगणत है। वेखे ना बई सागर वड्डा हुंदा है कि उस विच तरन वाला जहाज। बस इसे तरह ही समझ लै कि वाहिगुरु सागर है ते साडे सारे कर्म जहाजां वर्गे ने। लखां जहाज भी डुब सकदे ने उस विच ते उसकी विशालता किते मुक्कण नहीं लगी, सागर विच किते हड़ नहीं आउण लगा। इसे तरह वाहिगुरु दी बख्शिश दे सागर विच तेरे करोड़ा पाप भी डुब जाण ना तां किते वाहिगुरु दी खुदा दी बख्शिश खत्म नहीं होण लगी। इस अफसर नूं होश आ गई, ठंडा साह लैके कहण लगा, सच ते आख्या जे पर हाला भी ना मैनूं अपने कर्मां तों डर लगदा है। हुण मेरा मन पछताउंदा है, भई जे मैं मारी जाणा सी इन्हां मंदे कर्मां नाल कठी कीती होई माया दा सुख भी नहीं समाण सकदा, तां क्यों मंदे कर्म कीते। सिख आखन लगा, वेख भाई इहा भुल है जिहड़ी सारिआं नूं व्यापदी है, तू हुण इस तरह सिर्फ पछतावा ना कर बल्कि अरदास रूप विच पछतावा कर, साईं दे दर अर्ज कर बख्शे जाण लई, गुण गा उस बख्शेंद दे ते उस नूं याद कर वाहिगुरु आके। जे इस तरह करेगा ना तां तेरे सारे कर्म कटे जाणगे। नाले चल एक काम होर करी, जितने श्वास तेरे बाकी ने वह सफल कर लै, पर कर्म मार्ग वाले हिसाब इस तरह करदे ने कि तेरे कर्म गिने जाने ने जो सारे माड़े ने, ते हुण दियां चार घड़ियां दे सतसंग बदले थोड़ा चिर तैनू बैकुंठ मिलेगा।
माड़े कर्मां दे बदले ढेर चिर दुख मिलणगे। सो उस हिसाब नाल तू उथे धर्मराज नूं आखी पहलों बैकुंठ दे दिओ भावे चार घड़ियां ही सही। उथे ना धर्मराज दा जोर नहीं चलदा, एक बार अंदर वड़ जाए बस फिर बाहर आउण दी लोड़ नहीं। पर जे हिसाब बेहिसाबी दा मेरे गुरु नानक ने धन गुरु नानक ने जो बख्श दिता है वह है कि सीधा साईं दी शरण पै जाइए, उस दे गुण गाउण विच लग पईए, उस दे प्यार विच जाग पईए, यह है उसकी शरण लैनी ते वाहिगुरु दे नाम नूं चंबड़ना। गुरु बाबे ने आसा राग विच गाया सी, लोका मत को फकड़ पाए लख मड़िया कर इकट्ठे एक रत्ती ले पाए। जिवें एक रत्ती अग नाल सैकड़े मन लकड़ सड़ जांदी है, इसे तरह वाहिगुरु दे नाम द्वारा हजारा नहीं साढ़े लखा पाप सड़ जाते हैं। आखो धन गुरु नानक है, जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले किते छुट्टी नाल। इस अफसर नूं ना सचमुच इस दे मंदे कर्मां दा डर लग्या ते इस डर ने वैराग ला दिता। हुण सगों वाहिगुरू दा प्रेम हिरदे विच वस पिया, तनो मनो सिमरन विच डुब पिया ते सचमुच सतवें अठवें दिन चलाना कर गया। डुब्या होया गरीब तर निकलिया। गुरु ने कहा सी ना, जे को डूबै फिर होवै सार। अथवा सतगुरु ने कहा है, गुरमिल भौजल लंघी है दरगै पत प्रवान, नानक ते मुख उजले तुन उपजै शब्द निशान। भाई इस तरह ए मंदे कर्म करन वाला ए अफसर भी एक सिख दी संगत नाल वाहिगुरु दा नाम जपण करके बच गया, तर गया।